चुप रहना बंद करना पड़ेगा कि लड़का अगर घूरता है तो आप मुंह फेर लेते हो, आप कन्फ्रंट नहीं करते हो. नेमिंग एंड शेमिंग इज द वे आउट. पति ने मारा तो मैं यही कहती हूँ कि तुम्हारे भी हाथ पांव हैं, तुमने क्यों नहीं चलाया वापस. तो हम कैसे मार सकते हैं, हम पति को कैसे मार सकते हैं, फिर वो रखेगा कैसे. मदर हरसेल्फ वुड से, जो खुद की सगी माँ है, सास को खामखा बदनाम करते हैं, खुद की माँ तक ये कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, इतना तो चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, अब बेटी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ, उस पर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है. सगे भाई लोग अलग हो जाते हैं, सगे भाई दे डोंट टेक वन सेकेंड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एवरी सिंगल डे, हर जगह हो रहा है ना. बट जो लोग बचपन से अलग अलग परिवारों में पैदा हुए, और इट शुड बी वेरी नॉर्मल कि उन लोगों में एक टाइम के बाद नहीं पटी. आजाद भारत होने का मतलब एक ही होना चाहिए कि नाउ वी कैन नॉट ब्लेम एनी ब्रिटिशर और एनी फॉरेन पावर कि उन्होंने ऐसा किया. वी ऑल नीड टू स्टैंड अप फॉर ईच अदर. हाय वेलकम टू हर जिंदगी, दिस इज मी आशिमा जैन. और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, इंडिपेंडेंस डे के इस कैंपेन पर, हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने हौसले और लगन से आईपीएस बनकर हर औरत की मदद करने को अपना मिशन बना लिया. होस्टन से पीएचडी छोड़कर देश वापस चली आई और पुलिस माय फ्रेंड का इनिशिएटिव शुरू किया, जिससे वो हर औरत के दिमाग से और मन से वो डर हटा सके कि पुलिस के पास आके जो बात कर सके. चलिए बात करते हैं आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा से. हेलो मैम, वेलकम टू हर जिंदगी. थैंक यू सो मच आशिमा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. थैंक यू मैम. सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप ह्यूस्टन से पीएचडी कर रहे थे, फिर आप इंडिया वापस आए, और आईपीएस बनने का सफर वो कैसा रहा, क्या थॉट था जो अमेरिका में आपको रहते हुए कि यू नो इट्स द टाइम दैट आई शुड गो बैक टू द कंट्री एंड सर्व माय कंट्री. तो मैं साइंस में इंटरेस्टेड थी और मेरा रिसर्च वॉल्केनोस पे था. ह्यूस्टन में राइस यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों लोग कॉलेज से ही साथ में थे, तो दोनों लोग वहाँ पे स्कॉलरशिप पे गए थे. एंड बोथ ऑफ अस रियली वांटेड टू गिव बैक टू दिस कंट्री, शुरू से ही इस तरह का थॉट था. पर और वहाँ जब गए यूएस में, वापस तो आना ही था हमें, पीएचडी के बाद भी वी वर डिटरमिन्ड. पर वहाँ जाने के बाद हमें लगा कि जो यूएस का एक मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो वहाँ के पुअरेस्ट का भी है, वो मतलब इंडिया में हम लोग बहुत दूर हैं उससे. देयर आर लॉट ऑफ गैप्स व्हिच नीड टू बी फिल्ड इन. यही ओपिनियन था कि जब आपका घर गंदा होता है तो यू डोंट लीव द हाउस एंड गो, यू टेक इट अपॉन योरसेल्फ कि हम उसे ठीक करेंगे. कोई रनिंग अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन इज नॉट द आंसर. द आंसर इज कि व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट. बाहर रह के या छोड़ देना इज नॉट एन ऑप्शन. तब शायद ये डिटर्मिनेशन, ये विल और स्ट्रांग हो गया कि नहीं यार चलेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा. और हम लोग इतने खराब नहीं है, विल फिगर आउट समथिंग फॉर आवरसेल्फ्स, एक मौका तो देंगे. तब दिमाग में आया और वो इतना अचानक सा और इतना स्ट्रांग फीलिंग था कि हम दोनों लोगों ने अपना पीएचडी छोड़ा एंड वी केम बैक और तैयारी शुरू किया. मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हुआ था, पर इंडियन रेवेन्यू सर्विस बहुत अच्छी जॉब है एंड बट उसमें एक ही इश्यू था कि उसमें भी ग्राउंड पे काम करने का उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं था जितना कि एक आईपीएस या फिर आईएएस, ये दोनों ही सर्विसेज आपको ग्राउंड पे लोगों की लाइफ में चेंज लाने का एक मौका देती है. तो फिर जब मेरा वापस मैंने अटेम्प्ट दिया और आईपीएस में हुआ, तो क्या फीलिंग थी मैम जब आपको पता चला कि आप आईपीएस ऑफिसर बन गए हो, वो दिन वो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ था. तो मैं मान के चली थी कि मुझे आईआरएस ही रहना है और इसी में फिर कुछ करेंगे जिससे कि हम लोग जॉब के अलावा भी कुछ कर पाए. बट और मैं एक महीना रो भी चुकी थी इंटरव्यू खराब होने के बाद कि नहीं फाइनली जो चाहा था वो नहीं मिला. तो फिर जब सिलेक्शन हो गया, मैंने मेरा रिजल्ट भी नहीं देखा था. मेरे हस्बैंड ने मेरे को फोन करके बोला था कि तेरे को पता है तेरा सिलेक्शन हो गया, तू आईपीएस बन रही है. मैंने कहा बिल्कुल झूठ मत बोलो. तो बोले हम लोग को लग गया है कि ये तेरा टोटका टाइप चलता है एक महीना रोने का. और तो किसी को विश्वास नहीं हुआ था. ऑल ऑफ अस वर रियली थ्रिल्ड. ऑफ सवाल पूछते हैं आपसे,
कि क्वेश्चंस क्या होते हैं यार, ये जो इंटरव्यू के लिए बैठते हैं आईपीएस वाले, मतलब आईएएस के क्वेश्चंस कई बार आते हैं ना इंटरनेट पे, कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा था आईपीएस के टाइम पे जो आपको लगा था कि अब ये सही जवाब नहीं दिया मैंने? मैम बहुत हवा बना हुआ है बाहर, अच्छा वहां पे ये भी क्लियर कर दो, कैसे पता ये क्लियर कर दो, क्योंकि बहुत बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत बातें होती हैं इंटरनेट पे, सब लोग ज्ञान दे रहे हैं, क्लियर कर दो आज। ऐसा है मैम, एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है विच इज लाइक योर बायोडाटा, तो उसमें आपके पैदा होने से लेकर आप कहाँ पे जन्मे हैं, कहाँ पे रहे हैं, कहाँ एजुकेशन किया है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, उसके अलावा आपकी हॉबीज, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, आपके पेरेंट्स का भी इकोनॉमिक प्रोफाइल वगैरह सब उसमें होता है। वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सारे इंटरव्यू जो आपका पैनल होता है बोर्ड के मेंबर्स के पास होता है, और मोस्टली तो वो उससे आप पे पूछते हैं। जैसे मान लो कि मैं अजमेर में पैदा हुई और जयपुर में रही और फिर कोलकाता में मेरी ग्रेजुएशन हुई और यूएस में रही, नाउ वेरी पॉसिबल क्वेश्चन इज कि वो मेरे से पूछ सकते हैं कि इन सिटीज में मैंने क्या क्या मान लो इकोनॉमिक डिफरेंसेस पाए, या इनका कल्चर और पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसे अलग है। यही टेस्ट करना चाहते हैं कि एक तो आपका जो बैकग्राउंड है और आप उसको कितना जस्टिफाई करते हैं, आप कितने सीरियस इंसान रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन जिसमें हुआ उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है कि नहीं, करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, एंड प्रिटेंशियस होंगे तो आई थिंक वो दिख जाएगा। ये जो अजीब अजीब से क्वेश्चंस चलते रहते हैं यूट्यूब पे, आई डोंट थिंक वो पूछे जाते। अच्छा, जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग के दौरान आपके, मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट में पढ़ा था कि औरतें बहुत हिचकती थी, हिचकिचाती थी बहुत ज्यादा कि उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं आना है उनको, तो आप जब पुलिस स्टेशन, आप जब ऑफिसर बने, तो क्या नजरिया आपने देखा कि औरतों का ये नजरिया क्यों है कि क्यों नहीं आना चाहती पुलिस स्टेशन वो रिपोर्ट लिखवाने या बात करने या मिलने आपसे? सब में है मैम, औरतें आदमी बच्चे, आई थिंक सब में हेजिटेशन है, ऑल ऑफ अस। मेरे को भी, मतलब मेरी फैमिली भी आई थिंक आज अगर जाना चाहे तो एक हेजिटेशन रहेगा, एंड दे वुड वांट मी टू कॉल द एसएचओ और आईयू, क्योंकि ये हम लोग बहुत ही इस एक्सेसिबल टाइप, मुझे लगता है पुलिस स्टेशन नहीं, डर है पुलिस को लेके, एक डर है कि दे विल नॉट एक्ट इन अ फेयर मैनर, बहुत ही ज्यादा मतलब एक हॉटीनेस है और ढंग से बात नहीं करते हैं, हैरेस करते हैं, तो सबको तो ऐसा लगता है। प्लस थाने के ऊपर, जैसे मैं भी जब आई थी सर्विस में तो मेरे को ये बोला गया था कि IRS सूट्स में बेटर, और ये मेरे बैचमेट्स ने ही कहा था, बोले तेरी पर्सनैलिटी को IPS सूट नहीं करता, हाउ विल यू सर्वाइव इन दिस सर्विस, तो क्यों, क्या गाली गलौज करना ज्यादा जरूरी है या मचिस्मो दिखाना ज्यादा जरूरी है, तो इस तरह का एक एयर है पुलिस स्टेशन को लेके। तो नॉर्मल आदमी, हमारे दोस्त ही, उनका चोरी भी हो जाएगा तो, इसलिए इंडिया में क्राइम्स का अंडर रिपोर्टिंग इतना हाई है, मोस्ट ऑफ द क्राइम्स आर नॉट इवन रिपोर्टेड, छोटी मोटी चोरी हो जाती है तो लोगों को लगता है क्या ही रिपोर्ट करना, छोड़ो इसको, कौन पुलिस के पछड़ों में पड़ेगा, कौन पुलिस आएगी घर में, और थाने पे अच्छे लोग तो रहते नहीं है, मतलब क्रिमिनल्स हैं या इस तरह का एक माइंड सेट रहता है, तो लड़कियां फिर इसलिए अवॉइड भी करती हैं। और मैंने तो जो थानों में परसेप्शन देखा, जो आदमियों में इन जनरल था कि थाने, ये तो मैडम, ये महिला तो रोज उठ के आ जाती है थाने, ये थाने वाले ही बोलते हैं कि इसकी तो आदत है, ये तो बात बात पे कंप्लेन लेके आ जाती है, तो उसको ये ऐसा मानेंगे कि ये तो थाने जाने वाली महिला है, ना गाँव में उसकी इज्जत होगी, ना उसके घर परिवार में उसकी इज्जत होगी, विच इज वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। बेसिकली मैम, अगर हम लोग लॉस की बात करें या हम ये बात करें कि इंडिया में रेप केसेस, 90 रेप केसेस ऑन एन एवरेज हर दिन रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट है, जब लोग भी कहते हैं कि नो आप पुलिस स्टेशन जाओगे, पुलिस मेल ऑफिसर कैसे बात करेगा, फीमेल ऑफिसर कैसे बात करेगी, तो इस चक्कर में चीजें अंडर रिपोर्ट हो जाती हैं, डिस्कशंस क्रिमिनल क्राइम करके चला जाता है, लेकिन जब सजा देने की बारी आती है तो उसमें महीनों और साल लग जाते हैं। कब ये सोच बदलेगी या कब ये थॉट बदलेगा कि यू नो इट इज, इफ समबडी इज कमिटिंग दैट क्राइम, दैट पर्सन शुड बी यू नो अवेयर ऑफ कि उसको सजा भी मिलेगी, वो डर कब पैदा होगा लोगों में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई अग्री, सिस्टम में बहुत सारे इश्यूज हैं आज भी, और वो हम लोग लॉज बना देते हैं पर हमारी सोसाइटी को इवॉल्व होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। पहला तो जो मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है वो अभी भी लैक ऑफ सेंसिटिविटी है, एम्पैथी इन जनरल पूरे सिस्टम में उतनी नहीं है जितना कि होना चाहिए। पहली बात तो जैसे आपने कहा कि 90 केसेस रिपोर्ट होते हैं, आई अग्री,
इतने होते हैं, बट मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जो जेन्युइन केसेस हैं वो हम तक आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सोसाइटी में अगर एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है तो उसको बहुत बड़ा टैबू माना जाता है कि उसकी शादी कैसे होगी, पूरे घर परिवार की इज्जत, मतलब यहाँ पे इवन जो महिलाएं आती हैं जिनके साथ छेड़खानी भी होती है तो उनके घर के सारे पुरुष या उनकी माँ खुद ही कह रही होती है कि इसका तो जीवन बर्बाद हो गया। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि जैसे अगर आपके घर में चोरी हो जाएगी, कोई आपको थप्पड़ मार देगा, तो तब वो आदमी गलत है जिसने क्राइम किया, तब आप गलत नहीं है। पर अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो जाती है तो वो लड़की कैसे गलत हो गई? गलत तो वो है जिसने अपराध किया। तो अपराधी को ना करके महिलाओं को एकदम दिमाग में डाल दिया जाता है कि हमारी तो लड़की का जीवन बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे केसेस में तो हम तक आते नहीं है। अब हमारे पास आते कौन से हैं? जो आते हैं उसमें मैं जब बात कहती हूँ कि वो बहुत सारे केस हमारे पास ऐसे हैं जो जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन क्या नहीं है कि जैसे हमारी सोसाइटी ऐसी रही है, और ये बहुत नेचुरल है, चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, तो जब पेरेंट अरेंज मैरिजेस करा देते हैं बच्चों की तब वो ठीक होता है। पर जब बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी रिलेशनशिप में और पेरेंट्स को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो देन दे गो टू एनी एक्सटेंट कि रेप का मुकदमा लिखा जाए उस लड़के के खिलाफ और उसके इवन भाइयों के खिलाफ, और उस वो जेल चले जाए। आई अग्री कि 18 साल से अगर कम उम्र की बच्ची है और उसके साथ किसी का संबंध है, अब उसमें भी हमें देखना है कि दोनों बच्चे जो इन्वॉल्व हैं, अगर वो 16 to 18 या 15 to 18 years ऑफ एज के हैं, एक नेचुरल नॉर्मल रिलेशनशिप है दो बच्चों में, तो क्या उसमें इज दिस अ बेटर वे कि हम लड़के को बस जेल भेजते हैं क्योंकि लड़की के साथ पॉक्सो का अपराध हो गया, जबकि दोनों ही अपराधी नहीं है। हो क्या रहा है कि हम लॉ बना दे रहे हैं पर हम सफिशिएंट अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जेल भेजने का एक तरीका है क्योंकि महिला संबंधी अपराधों में सरकार बहुत सीरियस रहती है, और महिला ने कहा रेप हुआ तो रेप हुआ, तो देन यू नोटिस अ पैटर्न कि जहां जमीन का विवाद हुआ होगा वहां यू यू आर एक्सपेक्टिंग कि अगले दिन महिला को आगे कर दिया जाएगा और वो रेप का एप्लीकेशन लेके आ जाएगी कि इस आदमी ने मुझे पकड़ के रेप किया था। अंदर से दुख होता है जब एक जेन्युइन मान लो लव अफेयर का केस हो और उसमें हम जल्दी पैरवी इन द सेंस बार बार कोर्ट को परस्यू करके एक 20 साल के या 19 साल के लड़के को हम उम्र कैद की सजा करवाते हैं जहां वो रेप का केस भी नहीं था। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं और आई थिंक इनको बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत भी है। मैम, अवेयरनेस कैसे आए? मतलब आज भी 77th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाने वाले हैं हम लोग, लेकिन आज भी अगर आप टीयर 2 टीयर 3 की बात छोड़ो, मैं टीयर 1 की बात बताती हूँ आपको। दिल्ली में भी लोग अगर 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद अगर लड़की घर से बाहर निकल रही है, शी इज नॉट फीलिंग सेफ। मतलब उसको उसको सुरक्षा तो है ही नहीं। क्या ऐसे स्टेप्स हैं आपके अकॉर्डिंग जो एज एन अगर इन्फॉर्म्ड सिविलियन भी अगर मैं बात करूँ, हमें भी लेने चाहिए टू बी माइंडफुल ऑफ द सिचुएशन अराउंड यू? क्या एक तो लगता? मैम चुप चुप रहना बंद करना पड़ेगा। जैसे लड़कियों में एक जनरल आदत होती है कि लड़का अगर घूरता है तो आप मुंह फेर लेते हो, आप कन्फ्रंट नहीं करते हो, या फिर अगर आपको लड़का पीछा कर रहा है तो आप अपना रास्ता बदल दोगे। अभी लास्ट लास्ट ईयर की बात है, हम लोग एक शूट पे थे बाहर, वेयर माय माय फीमेल को एंकर वाज इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड वी वर इन अ डे लाइट। दिन की बात, हम सीपी जैसे एरिया में थे, कनॉट प्लेस में शूट कर रहे थे। वहां पे एक रैंडम आदमी निकल के कमेंट करके जा रहा उसको, तो मैंने उसको ऐसे बोला कि कि मत कर। उसने दोबारा करा, फिर मैंने दोबारा बोला कि मत कर, फिर उसने तिबारा करा। उसके बाद मैंने उसको पकड़ के 2 चाटे मार दिए। अब उस टाइम पे दिन दहाड़े की बात थी, मैंने वो 2 चाटे मार दिए उसको, वो बंदा वहां से पिट के चला गया। लोग आ गए, 2 अंकल मुझे बोल रहे हैं वाह वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया काम किया आपने। बट जो आसपास के लोग बगल में वीडियो बना रहे हैं, दे वोंट कम अहेड। और अगर सोचो यही अगर रात का टाइम होता, उसके 3 4 दोस्त उसके साथ होते एंड सिचुएशन ऐसी नहीं होती, तो इंसान को लगता है कि समझदारी ये कि चुप रहो और निकल जाओ। क्या वो भी समझदारी नहीं है? पर आपने रिपोर्ट भी नहीं किया होगा ना मैम। डस पुलिस नो अबाउट इट? उसका रिकॉर्ड आज भी क्लीन है, ही इज नॉट अ स्टॉकर। वो लड़की को छेड़ने वाला भी उसके, अगर हम निकालेंगे सेक्सुअल ऑफेंडर्स की लिस्ट सीपी का जो जो भी पुलिस स्टेशन निकलता है, तो उस लड़के का नाम नहीं होगा जबकि उस लड़के का नाम होना चाहिए। हिज पेरेंट्स शुड नो, हिज फैमिली शुड नो, एंड द एंटायर सोसाइटी, उसके आसपास के लोगों को भी पता होना चाहिए कि इसको पुलिस उठा के लेके गई थी क्योंकि इसने एक लड़की को सीपी पे छेड़ा था। वो
आपका एक इंडिविजुअल एक्ट था बट वो हम तक पहुंचा नहीं, तो यही मैं कहती हूँ। और जनता की तो मैं क्या ही बात करूँ, इसलिए मैं कहती हूँ एम्पैथी हमारी ओवरऑल सोसाइटी में मिसिंग है। बहुत कम लोग हैं जो कि सेंसिटिव हैं। एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग मर रहे होते हैं सड़क पे, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, तब भी उसका वीडियो बना रहे होते हैं, और बहुत कम लोग ये होते हैं जो उसको गाड़ी में रख के हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। आई डोंट नो क्या माइंडसेट है लोगों का, नॉट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, बट लड़कियों को मैं यही कहना चाहूंगी, लड़कों को भी, कि अपना रास्ता मत बदलो, इग्नोर मत करो। इंडिविजुअल एक्शन लेते हो अच्छी बात है, बट उसको रिपोर्ट भी करो। नेमिंग एंड शेमिंग इज द वे आउट। क्या ऐसी चीजें हो औरतों के लिए, क्या ऐसे लॉज एनफोर्समेंट करे जाएं, या क्या ऐसी चीजें बताई जाएं औरतों को कि यू नो दे शुड पुट अ स्टेप डाउन एंड दे शुड से नो टू इट। एक पिक्चर भी आई थी थप्पड़, जहां पे एक औरत मतलब उसने थप्पड़ मारा तो औरत घर से बाहर चली गई, लेकिन अगेन देयर इज अ सर्वे टू इट वेयर इट इज बीन सेड कि डोमेस्टिक वायलेंस में एक औरत एक आदमी को 7 मौके देती है, 7 बार डोमेस्टिक वायलेंस करने का, वेयर एज अगर एक औरत ने आदमी को थप्पड़ मारा होता तो शायद एक बार में रिश्ता खत्म हो गया होता। तो मैम पहले तो मैं जो आपने कहा कि यही कहती हूँ लड़कियों को, जब मेरे सामने आके रोती हैं कि पति ने मारा, तो मैं यही कहती हूँ कि तुम्हारे भी हाथ पांव हैं, तुमने क्यों नहीं चलाया वापस। आई से इट अप फ्रंट, तो हम कैसे मार सकते हैं मैम, पति को कैसे मार सकते हैं, फिर वो रखेगा कैसे। ग्रेजुएट लड़कियां भी बहुत कम है जो की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, पढ़ाते हैं हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, अब बेटी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ उस पे ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए। क्यों, आप MBA तक कर रहे हैं तब भी आप घर पे बैठ के हाउसवाइफ है। बीइंग हाउसवाइफ इज नॉट रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग इज कि जब कभी वो एक एक पैसे के लिए वो मोहताज है अपने हस्बैंड पे, इन लॉस पे। बच्चे जब हो जाते हैं तो उसे ये लगता है कि आज मैं अगर डिसाइड भी करूं कि इस शादी से मैं बाहर आ जाऊंगी, इसको मुझे सहन नहीं करना है, तो खाएगी क्या, वो कहाँ जाएगी। एक और चीज जो लड़कियों में रहता है, वो अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनना चाहती। एंड आई हैव सीन पेरेंट्स ऑफिस में बैठ के ये कहते हुए कि हम कहां से इसका खर्चा उठाएंगे। तो देयरफॉर आई से कि आप 5,000-10,000 ही कमाओ एंड कीप अ सेविंग फॉर योरसेल्फ, सो दैट व्हेनेवर देयर इज वायलेंस और अब्यूज या कोई ऐसी चीज जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यू आर इन अ पोजिशन टू मेक सम डिसीजन फॉर योरसेल्फ एंड योर किड्स। सोशल माइंडसेट बदलना होगा एंड इट्स वेरी हर्टफुल। मैं तो सर्विसेज में भी देखती हूँ, मैक्सिमम मेल सीनियर्स एंड मेल बैचमेट्स की वाइफ्स जो हैं, दे आर गुड प्रोफेशनल्स बट अल्टीमेटली व्हेन दे जॉइन देयर पार्टनर दे गिव अप ऑन देयर करियर्स, करेक्ट, व्हिच शुड नॉट बी डन। वुमेन जो है सोसाइटी में औरत एंड मदर इन लॉ पे तो मैं जा ही नहीं रही, मदर हर सेल्फ वुड से, जो खुद की सगी माँ है, सास को खामखा बदनाम करते हैं, खुद की माँ तक ये कहती है कि कोई बात नहीं बेटा इतना तो चलता है। अब घर बचाना, इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, डिवोर्स इज सच अ टैबू। आपकी बच्ची खत्म हो जाए, वो उसको मार दे जान से, वो चलेगा, पर तलाक हो जाएगा तो जमाना क्या कहेगा वाला सिचुएशन है। सगे भाई लोग अलग हो जाते हैं, सगे भाई दे डोंट टेक 1 second टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एवरी सिंगल डे का हर जगह हो रहा है ना। बट जो लोग बचपन से अलग अलग परिवारों में पैदा हुए, और इट शुड बी वेरी नॉर्मल कि उन लोगों में एक टाइम के बाद नहीं पटी, तो उनका अलग होना इज सच अ टैबू इन दिस सोसाइटी। तो ये हम लोग को एज अ समाज मेरे ख्याल से धीरे धीरे आएगा, बट एटलीस्ट हम लोग इतना कर सकते हैं अपने सब लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जितनी हमारी कजन्स हैं हमारी फ्रेंड्स हैं, उनको कंटिन्यूसली पुश करते रहें कि योर लाइफ डजंट एंड एट मैरिज। शादी को फलक्रम बना लेते हैं लाइफ का, शादी और बच्चे, पढ़ाई भी इसलिए हो रही है कि लड़का अच्छा मिल जाएगा, इसलिए नहीं हो रही है कि कुछ अटेन करना है। तो ये चीज पे थोड़ा सा सभी लोगों को सोचना पड़ेगा। मैम आपने इनिशिएटिव लिया था पुलिस माय फ्रेंड, उस इनिशिएटिव के बारे में कुछ बताइए मेरे को, इंटरेस्टिंग सी बात कुछ, अगर कुछ किसी की लाइफ अच्छी हुई हो या किसी को उससे फायदा हो, या फिर लोगों को ऐसे और इनिशिएटिव्स क्या लेने चाहिए, यू नो दिल्ली पुलिस, इंडियन पुलिस को हमारी, ताकि लोग आराम से आके पुलिस से बात, उनको दोस्त बना के बात कर सके, वो डर ना रहे लोगों में। मैं तो ये मानती हूँ कि पुलिस इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स टू सर्व पीपल, स्पेशली जो डिस्ट्रेस में होते हैं, आप रोज कई लोगों की मदद कर सकते हैं। तो
हम इतना करने के बावजूद भी नॉर्मल जेन्युइन आदमी हमारे पास आने में डरता है। बच्चों के मन में बचपन से डाल दिया जाता है कि पुलिस को बुला लो, पुलिस उठा के ले जाएगी, होमवर्क करो नहीं तो पुलिस उठा के ले जाएगी। महिलाओं के लिए थाने में आना टैबू है, कोई जेन्युइन व्यक्ति आने से डरता है। और जो समाज के ठेकेदार टाइप होते, नेता लोग हो गए, दबंग लोग हो गए, वो थानों में जा जाके बैठेंगे, दोस्ती करेंगे, बुके देके फोटो खिंचाएंगे, तो उससे तो नॉर्मल आदमी में और डर लगता है। हाँ आप भी कहते हैं, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो एक लड़का यूनिवर्सिटी का कह रहा था कि सर आपके चौकी वाले से पूछिए कि ड्रग्स कहाँ पे मिलते हैं, उसको सब पता है। तो लोगों को भी सब पता है, बट दे डोंट ट्रस्ट यू, उन्हें लगता है आप उन्हीं के खिलाफ एक्शन ले लोगे, करेक्ट तो दूर रहना चाहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम, मैं अपना ऑफिस छोड़ के पुलिस माय फ्रेंड में यही है कि हम लोगों के बीच जाए। हम बहुत, उसके दो कंपोनेंट्स मैंने रखे थे, ये अंडर ट्रेनिंग टाइम से ही शुरू किया था कि स्कूलों में जाएं, एक तो बच्चों के मन में से डर भगाएं, तो उसमें हमने तीन चार चीजें रखी थी। हम उसमें डांस भी करते थे, पुलिस की वर्दी में, यूपी पुलिस है, हमें गाना था, उससे पुलिस क्या क्या काम करती है उसके बारे में डांस ड्रामा टाइप। एक स्किट करते थे गुड टच बैड टच पे, एक बहुत ही फन क्विज करते थे ट्रैफिक लॉस पे, तो ये बच्चों वाला। और दूसरा था कि ठीक है, हम तक लोग आने से डरते हैं तो हम लोगों के बीच जाएंगे। तो हमने जाना शुरू किया गांव गांव, और जो लोकैलिटीज होती हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, उनमें भी गए। और पहली चीज इन मीटिंग में जाके यही मैं बोलती थी कि आपको शिकायत रहती है कि पुलिस सुनती नहीं है, तो आज हम सुनने आए हैं। वहां आपको एज अ मास पता चलता है कि इस पूरे एरिया के ये पांच इम्पोर्टेंट पुलिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें हम सॉल्व करते थे। और 7 दिन में मैं चौकी इंचार्ज से या जो एरिया का इंचार्ज है उससे एक्शन टेकन रिपोर्ट भी लेती थी। आपने बोला कि थैंकलेस जॉब है, इतने सारे केसेस आप डील करते हो, सब कुछ करते हो, हाउ यू कीप अ चेक ऑन योर मेंटल हेल्थ? आप अपनी सैनिटी को कैसे मेंटेन करते हो? अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए आप क्या करते हो? आई टू लाइक माई जॉब वेरी मच, तो मुझे ये काम की तरह नहीं लगता। दिस इट मेक्स मी हैप्पी। इसमें एक ही चीज मुझे खराब लगती है कि मैं अकेली रहती हूँ, आई स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली मोस्ट ऑफ द टाइम। महीने में शायद 1 दिन 2 दिन हम लोग मिल लें, वो भी मुश्किल होता है। तो आई थिंक दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द जॉब। बाकी तो आई डू साइकिलिंग, आई डू रनिंग, मेरे को डांस करने का बहुत शौक है, आई डांस इन फ्रंट ऑफ मिरर, आई लाइक बर्ड वॉचिंग। आपके लिए आजादी का मतलब क्या है, और महिलाओं के लिए एक सच्चे और आजाद सुरक्षित भारत को लोग कब देख सकते हैं, क्या लगता है आपको? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरे लिए आजादी का मतलब यही होना चाहिए मैम कि इस देश का हर इंडिविजुअल को एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफ मिले, और वो जो भी सपना देखे उसे एटलीस्ट पूरा करने का प्रयास तो कर पाए। हो सपना पूरा हो पता नहीं, बट अभी भी वो अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिल रही है, सब बड़े सपने तक नहीं देख पा रहे हैं। तो आजाद भारत होने का मतलब एक ही होना चाहिए कि नाउ वी कैन नॉट ब्लेम एनी ब्रिटिशर और एनी फॉरेन पावर कि उन्होंने ऐसा किया। हम लोगों, इट्स हाई टाइम दैट द एंटायर गवर्नमेंट सेक्टर एंड ऑल इंडिविजुअल, हम लोग सब एक दूसरे को, जैसे आपने कहा ना कि लोग वीडियो बनाते रहते हैं कुछ करते नहीं है, वी ऑल नीड टू स्टैंड अप फॉर ईच अदर। मैम माइंडसेट में थोड़ा चेंज लाने की जरूरत है हम सबको, वही वी ऑल ऑफ अस हैव टू स्टैंड अप फॉर ईच अदर। बहुत सारी बेसिक वैल्यूज होती हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, मिनिमम सेंस ऑफ डिसेंसी। तो ये, एंड ये सब शुरू होता है घर से, ये शुरू होता है मीडिया से, जो भी हम आसपास देखते हैं। तो हमें कंटिन्यूअसली हमारी फ्यूचर जनरेशन में इनकलकेट करना होगा कि दिस इज हाउ यू ट्रीट एनी अदर ह्यूमन बींग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आपने बोला थैंकलेस जॉब है, एज अ सिविलियन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर सर्विंग द कंट्री एंड टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड यू नो हेल्पिंग द वेमेन आउट देयर, हेल्पिंग द पीपल आउट देयर, नॉट स्पेसिफिकली वेमेन। तो दिस इंडिपेंडेंस डे एटलीस्ट वी एम टू हेल्प ईच अदर, स्टैंड बाई ईच अदर। विद दिस नोट आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड फॉर योर प्रेस्टीजियस वर्ड्स दैट यू हैव गिवन अस। वन थिंग ऑन दिस इंटरव्यू, Anything you want to say that how do you like the conversation with me? We are Har Zindagi, it's a women-centric platform.
if you want to say anything, ma'am. Thank you so much, Ashima, for having me here and giving me the opportunity to speak my heart out on various issues. It बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस शो पे आके, एंड आई थिंक वी टच्ड अपॉन द राइट थिंग्स जिनके बारे में बात होनी चाहिए. तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, एंड वी रियली हर जिंदगी इज द राइट टाइटल. हम लोग जितने भी मेल सेंट्रिक प्रोफेशन मेल से, मतलब पुलिस में तो कहा जाता है, बट आई अग्री मीडिया में हो या लॉ में हो, जुडिशरी में हो, ये सारे मेल सेंट्रिक प्रोफेशन हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन, वी आर स्टैंडिंग अप फॉर ईच अदर. This is rightly needed at this time. इस समय लड़कियां राइज करें. It's a transition phase. जब महिलाएं बाहर निकल चुकी हैं घर के, but males अभी तक घर में अंदर नहीं आए हैं. तो there is a double burden on women. तो इस समय hand holding की बहुत ज्यादा जरूरत है. And congratulations to you and your entire team for pulling up such a good cause. Thank you so much, ma'am, for this lovely conversation. Thank you so much, ma'am. Thank you. And कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या सोच है. क्या आपको भी लगता है कि औरत अभी भी आज़ाद नहीं है? व्हाट आर योर थॉट्स? शुड वुमेन स्टैंड विद अदर वुमेन टू सपोर्ट ईच अदर एंड बी द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? टिल देन, दिस इज आशिमा जैन साइनिंग ऑफ. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे.